Welcome to Pharmacy Expert YouTube channel. In this video, we have discussed about IPC. IPC is Indian Pharmacopoeia Commission. अब इसके रोल क्या होते हैं? इसके रोल होते हैं मॉनिटरी एडवर्स ड्रग इवेंट, कोऑर्डिनेट विद एजेंसी लाइक यूनिसेफ, WHO, मॉनिटर वीकली एक्टिविटीज। कहने का मतलब है जो IPC होती है उनका मेन काम होता है जो भी ड्रग्स मार्केट में आ रही है और जो हम ले रहे हैं वो सभी जो बेस्ड होती है IPC के अकॉर्डिंग ही बेस्ड होती है। इसके बिना नहीं बनती कोई दवाई। जी हाँ, मान लो हम बीमार पड़ते हैं और हमने कोई भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं या फिर टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन या कुछ भी, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि कहीं ये दवाई ख़राब तो नहीं है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गाइस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है बनती है, जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं चाहे वो टैबलेट हो या सिरप हो, ये सारी बेस्ड होती है इंडियन फार्माकोपिया के लिए। जी, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी मेडिसिन बनती है। अब इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है? इंडियन फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें कि हर एक ड्रग्स का तोड़ होता है। कहने का मतलब हर एक ड्रग्स उसी की बेस पे बनती है, बनने के बाद उस सभी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, सेट ऑफ रूल्स, ये सारा चीज़ें चेक होने के बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में जब ड्रग्स अप्रूव होती है फिर वो ड्रग्स मार्केट में आती है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है कि जो भी हम दवाई ले रहे हैं वो सही है या नहीं। वो बिल्कुल बिल्कुल प्योरीफाई है, 96.5% वो मेडिसिन प्योरीफाई होती है। मोस्टली कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम आती है तो बहुत जल्दी क्लिनिकल ट्रायल्स में पता लग जाता है, फिर गवर्नमेंट हमारी उसे बैन कर देती है। अब मैं आपको बता दूं इंडियन फार्माकोपिया क्या है। इंडियन फार्माकोपिया एक रूल्स है, जैसे हमारे संविधान में रूल्स होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते रहते हैं और चेंजेस होते हैं, उसी तरह इंडियन फार्माकोपिया ये मेडिसिन के लिए है कि कोई भी मेडिसिन कैसे बनती है उसके लिए रूल है और ये हर साल चेंजेस होती रहती है। वैसे तो एक बुक है और इस बुक की प्राइस की बात करें जो पिछले ईयर की थी 55,000 की थी, 55,000 तक की इसकी प्राइस होती है और ये बुक हर किसी के पास नहीं होती क्योंकि इस तरह तो हर कोई मेडिसिन बनाने लग जाएगा। सो गाइस, ये सिर्फ वही अप्रूव करवा सकते हैं जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो। कहने का मतलब है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाले ही करवा सकते हैं या फिर कोई और संस्थान, गवर्नमेंट संस्थान या प्राइवेट कॉलेजेस जिनको भी अप्रूवल मिलता है कि हाँ आप इंडियन फार्माकोपिया रख सकते हो। सो गाइज, अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। अब मैं बात करता हूँ इसमें एग्ज़ाम की, इसका एग्ज़ाम आप कैसे दे सकते हो। इंडियन फार्माकोपिया में गाइज ज्वाइन होने के लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आप इसको कहाँ दे सकते हो? इसकी साइट आती है गाइज www.ipc.mic.in पे जाके आप भर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या होती है इंडियन फार्माकोपिया में। इंडियन फार्माकोपिया में ज्वाइन होने के लिए बिलो 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। सो गाइज, अब आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि जो भी हम दवाई लेते हैं वो कहीं ख़राब तो नहीं है या फिर ये सारा कुछ। अब आपको पता लग गया कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इसके रूल क्या है। इसका रूल यही है कि जो भी ड्रग्स आती है वो सभी मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर ऑफ एडवर्स ड्रग। इसके बाद जितनी भी ड्रग्स आती है उन सभी की अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टैंडर्डाइजेशन चेक होती है, फिर मार्केट में आती है, उसके पहले भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये सारा कुछ। फॉर एग्जांपल के लिए कोरोना की वैक्सीन आ रही है, मान लो उन सभी वैक्सीन के लिए कितने ट्रायल्स से गुजरते हैं, अगर उन ट्रायल्स में कोई भी कमी आती है तो डायरेक्ट उनको गवर्नमेंट बैन कर देती है। सो इस तरह से कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं उन सभी की पहले इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही बनती है, फिर उसके ट्रायल्स होते हैं, ये सारा कुछ होने के बाद ही मार्केट में आती है। सो अब आपको पता लग गया होगा आईपीसी क्या होती है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ये कैसे लागू होती है और ये सारा कुछ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल फार्मेसी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही फार्मा जॉब्स, फार्मा एजुकेशन, फार्मेसी स्टार्टअप्स एंड फार्मा न्यूज़ लाते रहेंगे।